नमस्कार दोस्तों, लखीमपुर खीरी, ये नाम सुनते ही आपके जहन में क्या आता है? किसी की शक्ल, किसी की छवि। जिसकी छवि सामने आती है उनका नाम है अजय मिश्र टेनी। भारत सरकार में गृह राज्य मंत्री हैं, लखीमपुर खीरी के सांसद हैं और उनके बेटे आशीष मिश्रा उर्फ मोनू मिश्रा अभी अभी सलाखों के बाहर आए जमानत पर। आरोप ये था कि उन्होंने अपनी थार गाड़ी से या गाड़ियों के काफिले से किसानों को कुचला था, जिसमें 4 किसानों की मौत हुई थी, 1 पत्रकार की मौत हुई थी। दोस्तों, आज मैं हूं लखीमपुर खीरी में और इसलिए क्योंकि लखीमपुर खीरी समेत यूपी के 9 जिलों की 7 सीटों पर कल वोटिंग है। लखीमपुर खीरी में 8 सीटें हैं, 8 की 8 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है और लखीमपुर खीरी इस बार चौथे दौर के चुनाव की सबसे अहम सीटें जो हैं वो लखीमपुर खीरी में है। एक निघासन अजय मिश्र टेनी का गढ़ किला, जहां से 2012 में वो विधायक थे, बाद में 14 में सांसद बने, अपने बेटे को, उसी बेटे को जो सलाखों के पीछे था, निघासन से बीजेपी का उम्मीदवार भी बनाना चाहते थे, उसी बीच उसका वह कारनामा जिसमें किसानों की मौत हुई, हत्या हुई, जिसकी वजह से उसकी उम्मीदवारी कटी, लेकिन अजय मिश्र टेनी अपनी कुर्सी पर है और बीजेपी की उम्मीद है कि लखीमपुर खीरी में वही जीत दोहरा पाएगी जिस जीत के साथ बीजेपी को 2017 में 8 की 8 सीटें मिली थी। 2012 की बात करें, 5 साल पहले लौटेंगे तो इसी ज़िले में समाजवादी पार्टी की 4 सीटें थी, बीजेपी की 3, बीजेपी की 1, माफ़ करें, और बीएसपी की 3। और लखीमपुर खीरी में जहां मैं हूं, वहां मेरे साथ स्थानीय 6 पत्रकार हैं जो लखीमपुर खीरी में 10 साल, 20 साल, 30 साल से काम कर रहे हैं। एक वरिष्ठ हैं इसलिए उनका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि 40-50 साल से काम कर रहे हैं या कितने साल से, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि जहां भी जाऊं वहां के स्थानीय पत्रकार से बात करूं, समझने की कोशिश करूं कि सियासत का ऊँट किस करवट बैठ रहा है, वोटिंग से पहले मतदाताओं के मन में क्या है, क्या रुख हो सकता है, क्या रुझान हो सकता है, क्या तस्वीर हो सकती है। तो अब एक बार सबसे परिचय कराते हैं, साथ में ये कल सुबह लखीमपुर खीरी में वोटिंग है। सबसे पहले मिश्रा जी हैं, पूरा नाम के साथ थोड़ा परिचय करिए। मैं नंद कुमार मिश्र वर्तमान में नवभारत टाइम्स का ब्यूरो चीफ हूँ और लखीमपुर खीरी में करीब 40-42 साल से पत्रकारिता कर रहा हूँ। और आप? मैं शिवम वाजपेयी हूँ, हिंदी खबर न्यूज चैनल से हूँ, करीब 10 साल से पत्रकारिता कर रहा हूँ। सर, मैं शारिक खान हूँ, उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय न्यूज चैनल भारत समाचार के साथ हूँ। अजय मिश्रा, इंडिया न्यूज, लखीमपुर खीरी। अजय मिश्र, टेनी लग जाएगा तो टेनी हो जाएंगे आप? ऐसा कुछ नहीं है। चलिए, मेरा नाम श्याम जी अग्निहोत्री है। हाँ। सारा न्यूज चैनल देख रहा हूँ, साथ में प्रसार भारती का भी समाचार देखता हूँ। मैं प्रतीक श्रीवास्तव, एनडीटीवी से काम करता हूँ। नितेश अग्रवाल, डेली हिंद का पब्लिक वाइब्स, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर। तो आपने सुन लिया ये 6 पत्रकार, इनका परिचय, और इनमें से 3 या 4 लोग हमारे साथ तब भी थे जब मैं शायद अगस्त या सितंबर में आया था और इन पत्रकारों से रायशुमारी की थी, जानने की कोशिश की थी। दोबारा इसलिए आया क्योंकि कल वोटिंग है और कल मैं इस इलाके में रहूँगा। शुरू कहाँ से करते हैं? बाएं दाएं, वरिष्ठता क्रम में तो आप ही सबसे वरिष्ठ हैं। मेरा सीधा सवाल है समझने के लिए, क्योंकि अब वक्त कम है, सीधा सबकी दिलचस्पी इसमें है, वोटिंग में एक रात का फासला है, कि लखीमपुर खीरी की 8 सीटें, इस इलाके की बात करने से पहले ऊँट किस करवट बैठने वाला है यहाँ? इस बार महीना वही है, मौसम वही है, लेकिन ऊँट की करवट बदल जानी है। इस बार कड़ा संघर्ष है और भाजपा को काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। लखीमपुर खीरी की 8 सीटें हैं, 8 सीटों पर उसका कड़ा मुकाबला समाजवादी पार्टी से है, लेकिन लखीमपुर सदर पे त्रिकोणीय संघर्ष है और यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी बहुत ताकत के साथ लड़ता दिख रहा है। इस प्रकार एक जगह त्रिकोणीय संघर्ष है, बाकी 7 जगह सीधा संघर्ष है, तो बड़ा रोमांचक मुकाबला होने जा रहा है ये। 7 जगह सीधा संघर्ष है, बीजेपी और बीजेपी समाजवादी पार्टी में। अब मैं एक एक बार सबसे, उसके बाद फिर वापस आऊँगा। इनके हिसाब से 7 जगह सीधा संघर्ष है, आपके हिसाब से कल जो वोट करेंगे मतदाता, किसका रुख, रुझान क्या दिखता है? जी, मैं आपको बता दूं कि इस बार जो है मुकाबला बहुत कट्टर का है, लेकिन ये कहना मुश्किल होगा। कट्टर का है कि टक्कर का है? टक्कर का है। ये कहना का मतलब कुछ और हो जाता है आजकल। ये कहना मुश्किल होगा कि 8 की 8 फिर से जो 2017 की तरह जाएंगी। इस बार बहुत मुकाबला तगड़ा है। तो तगड़ा है मुकाबला, तो तगड़े में
पलरा किसका भारी है या आठ में चार तीन है, चार चार है, छः दो है, सात एक? मेरे हिसाब से इस बार भाजपा तीन में सिमट जाएगी। भाजपा तीन में आपके हिसाब से सिमट जाएगी। अब जरा सीट पर हम आगे बात करेंगे, पहले एक बार रायशुमारी। शारिक, आपके हिसाब से क्या लगता है इस बार? हाँ बिल्कुल सर, जिस तरह से पिछली बार आठों की आठ भाजपा के पास थी, लेकिन इस बार जो है काफ़ी संघर्ष है दोनों पार्टियों में, सपा और भाजपा में। हाँ। तो लगता यही है, जिस तरह से फाइव सपा और तीन भाजपा के पास, अब बीएसपी चुकी है तो बीएसपी किसी को फ़ायदा भी पहुंचा रही है, नुकसान भी पहुंचा रही है। हाँ। तो फाइव प्लस थ्री का लगता है इस बार। फाइव किसका, थ्री किसका? फाइव एसपी और थ्री बीजेपी। आपको क्या लग रहा है यहाँ? सही लग रहा है, जैसा कि हमारे सहयोगी ने बताया कि फाइव और थ्री का मुकाबला है और सदर सीट पर जो है बसपा और भाजपा और सपा का मुकाबला है। फाइव किसका, बीजेपी? फाइव सपा है। हाँ। थ्री बीजेपी है। अब मैं उसके बाद पूछूंगा ऐसा क्यों, पहले एक बार सबसे समझ लेता हूं। आपके हिसाब से क्या लग रहा है? देखिए अंजुन भी, यहाँ जो प्रदर्शन लग रहा है निश्चित तौर पर बीजेपी की सीटें घटेंगी और मुकाबला कड़ा है। एक जगह पे बहुजन समाज पार्टी का मुकाबला हो, बाकी सपा से ही कॉन्टेस्ट होने का। हाँ। ज़्यादा अनुमान लगाया है, लेकिन ये निश्चित है कि लगभग सीटें घटनी चाहिए बीजेपी की। बीजेपी की आठ की आठ सीटें हैं, तो घट के एक भी हो सकती है, दो, मतलब एक भी घट सकती है सीट, दो भी घट सकती है। देखिए मुकाबला जो ज़बरदस्त है उसमें निश्चित तौर पर जो आप कह रहे हैं अंजुम जी, एक भी घट सकती है, दो भी घट सकती है। कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि बीजेपी एक दो सीट पे भी सिमट सकती है, और अगर उनका जो स्टाइल चल रहा है, कार्ड चल रहा है जिस हिसाब से वो अपना कर रहे हैं, कहीं पे अगर वो 20% वोट पे अगर वो छाप बनी तो बीजेपी उतनी सीट पे से दो तीन सीटें लूज करके आ भी सकती है। अच्छा ये बताइए, चूँकि मैं जहाँ हूँ, इस बिल्डिंग का क्या नाम है? विलोबी मेमोरियल हॉल। ये कोई ट्रस्ट की बिल्डिंग है? हाँ, ट्रस्ट। हाँ? और बाहर, इस बिल्डिंग के बाहर, हालांकि मैं चाहता था वहां से वीडियो आपको दिखाऊं, अजय मिश्र टेनी का नाम एक पत्थर पर लिखा हुआ है, तो उनका नाम पत्थर पर तो लिखा हुआ है, चुनाव में भी जीते हुए हैं, यही है इलाके में? हाँ अभी तो यही बने हुए हैं अपने क्षेत्र में, निघासन में। हाँ, निघासन, अपने गाँव में वही उनका वोट है, कल संभवता वही मतदान भी। और उनका वो पुत्र, वो भी वही है, वो दोनों का ही वोट वहीं पे है, समता दोनों लोग वहीं साथ पूरा परिवार मतदान करेगा। मतदान करेगा, तो आपको क्या लगता है, आप ये बता दो कल जो होना है? देखिए मैं अपने वरिष्ठ जन साथियों की बात दोहराऊंगा कि एक सीट की बात करें सदर की, तो यहाँ पर त्रिकोणीय चुनाव है, बाकी सातों सीटों पर सीधी टक्कर समाजवादी पार्टी से है भाजपा की, और इस बार मुकाबला 50-50 का है। कुछ भी मतलब प्योर तरीके से कह पाना तो ठीक नहीं है, लेकिन मुकाबला कड़ा है सभी सातों सीटों पर सीधे समाजवादी पार्टी से। नहीं तो उसमें पलरा भारी किसका दिखता है आपको? देखिए अभी 50-50 पे है, अभी कुछ कह नहीं सकते क्लियर। हाँ आपके हिसाब से क्या लग रहा है? सर मेरे हिसाब से जो है सीटों में इस बार कम तो होंगी, क्योंकि पिछली बार आठ सीटें स्वीप, क्लीन स्वीप मार गई थी भाजपा यहाँ से, लेकिन इस बार नहीं है। कुछ परिदृश्य पहले से खराब था, कुछ इस तिकुनिया कांड के बाद से इसका असर पड़ रहा है। कुत्तों में लड़ाई हो रही है पीछे, पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि एक साथ 25-30 आप पीछे कुछ दंगल के मूड में दिख रहे हैं। चलिए अब शांति हुई। हाँ तो आठों सीटों में मेरे हिसाब से तो 5-3 का हिसाब रहना चाहिए, क्योंकि जो योगी, 5 किसका 3 किसका, फिलहाल तो जो योगी जी की जनसभाएं यहाँ 5-1 दिन में हुई, उससे पहले तक बहुत माहौल खराब था, लेकिन उसके बाद से कुछ परिवर्तन आया है, तो एक थोड़ी सी लहर फिर से बनी है भाजपा की, तो हिसाब से 5 भाजपा को 3 सपा को हम देंगे। 5 भाजपा 3 सपा। अब एक और समझना चाहता हूँ, जैसे 2017 के पहले अगर देखेंगे 2012 तो बीएसपी को 3 सीटें मिली, मतलब 8 में 3 बीएसपी 4 सपा 1 बीजेपी, और मैं देख रहा था अगर पिछले 3-4 चुनाव का तो बहुत ऐसी सीटें हैं जहां बीएसपी को 40,000 42,000 50,000 वोट हारने के बाद भी बीएसपी को आए हैं, बल्कि 2012 में भी बीएसपी जहां से हारी भी, गोला जैसी सीट है, 63,000 बीएसपी को वोट मिले। इसका मतलब बीएसपी को ऐसे ही एक कस्ता में देख रहे हैं। 2012 में बीएसपी हारी, 12 की बात कर रहा हूं मैं, तब 61,000 मिले, और 17 में भी जब बीएसपी तीसरे नंबर पर थी तो भी 41,000, मतलब चूँकि दलित वोट यहाँ ठीक ठाक सीतापुर लखीमपुर खीरी में माना जाता है, दलित वोट की तादाद कई जगह में, अगर जैसे मैं पलिया का देख रहा हूँ, पलिया में तो दलित सबसे अधिक, जैसे 65,000 दलित हैं, सभी सीटों में 50,000 से ऊपर, 50,000 के ऊपर हर सीट पे कहा जा सकता है। हाँ, पलिया देख रहा हूँ दलित 65,000 हैं, मौर्या 40,000, मुस्लिम 35,000, ऐसे 50-60,000 सब जगह। तो जैसे बसपा की गुंजाइश आप कितनी देखते हैं, कहाँ तक देखते हैं? देखिए बसपा का जो कोर वोट है
उसमें काफी गिरावट आई है। गिरावट इसलिए आई है जो फ्री राशन बांटा गया इससे 3-4-5% दलित भारतीय जनता पार्टी की तरफ चला गया और पिछली बार जो हार हुई थी 2017 में उसका एक ही प्रमुख कारण था। मेरा सगा छोटा भाई 2017 में बसपा से यहाँ से लड़ा था लखीमपुर से। अच्छा। और उसको 42,000 वोट मिले थे। लेकिन इस बार परिदृश्य दूसरा है। सबसे बड़ी चीज ये है कि बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती 5 साल शांत रही। लोग ये कह रहे हैं कि उनकी भाजपा से मिली भगत है। कहीं ये भी कहा जा रहा है उपराष्ट्रपति बनने की तैयारी है और वो चुप हो गई हैं। जनता समझ रही है लखीमपुर खीरी में अगर एक एक सीट का विश्लेषण किया जाए तो बहुजन समाज पार्टी केवल लखीमपुर में लड़ती दिखाई पड़ रही है और जितने भी आंकड़े पिछले हैं वो सब आंकड़े इस बार ध्वस्त होंगे। जैसे लखीमपुर सदर की बात करिए, यहाँ पर ब्राह्मणों का उत्पीड़न किया गया। मोहन वाजपेयी नाम के एक व्यापारी हैं, उन पर एक फर्जी मुकदमा डालकर जेल भेजा गया। वो 16 दिन जेल में रहे, सैकड़ों आदमी उनके साथ जेल तक गया। अकारण बिना वजह अगर किसी को तंग किया जाएगा तो निश्चित रूप से उस सत्ता के खिलाफ वोट होगा और वही मोहन वाजपेयी। तो आप एक आदमी मोहन वाजपेयी इलाके में है, उनको इतना बड़ा इशू क्यों बना रहे? मैं नहीं जानता कौन मोहन वाजपेयी। अरे मोहन वाजपेयी इसलिए कि अगर एक सीट पर बीएसपी लड़ रही है तो क्यों लड़ रही है बताना पड़ेगा ना। इसलिए मोहन वाजपेयी, इसलिए मोहन वाजपेयी कि मोहन वाजपेयी ही लखीमपुर सदर में लड़ते नजर आ रहे हैं। त्रिकोणी संघर्ष है, सभी साथियों ने कहा हर जगह सीधा संघर्ष है, यहाँ पर त्रिकोणी संघर्ष है। तो बहुजन समाज पार्टी कहीं नहीं है लखीमपुर छोड़ कर केवल। चलिए ये मिश्रा जी की राय है। अब जरा मैं सबसे उसके बाद ये बताइए कि मैं बहुत ज़्यादा फॉलो चुकी एक एक ज़िले को नहीं कर पाया, बहुत जगह घूम रहा था। अभी बीते 7-8 दिनों में रैलियाँ किन की हुई लखीमपुर खीरी को एड्रेस करते हुए? जी यहाँ पे सिर्फ पहले तो होनी थी मोदी जी की, उनकी भी कैंसिल हो गई। राजनाथ सिंह भी आए थे, वो हवा में चले गए थे। और योगी जी जमीन पर क्यों नहीं उतर पाए? अब कोई कारण रहा होगा जो भी। और क्या योगी जी भी आए थे, पूरी तैयारी हो गई यहाँ पर, लेकिन उसके बाद उनकी भी कैंसिल हो गई। बगल की श्रीनगर विधानसभा में हो गई, तो कहीं ना कुछ कारण रहा होगा। जिले में तो आए, हाँ जिले में आए थे, 5 विधानसभा उन्होंने अपनी सभाएं की, लेकिन सिटी में नहीं की। 5 विधानसभा की? जी जी हाँ, 5 सभाएं की योगी ने। 5 सभाएं की थी और अखिलेश यादव की भी सभा। अखिलेश यादव की कंबाइंड हुई थी यहाँ जेआईसी ग्राउंड में। जेआईसी। अब ये बताओ, जैसे ज्यादातर लोग ये मान रहे हो कि कांटे की टक्कर है, या किसी ने कहा 5-3 है, किसी ने कहा 5-2 है, ये ऐसी स्थिति क्यों है जब बीजेपी 8 की 8 सीटें यहाँ जीती और उसमें ब्राह्मण वोट भी ठीक ठाक है बहुत जगह, और बाकी वो जातियां जो जिन्हें माना जाता है गैर यादव ओबीसी जातियां, मौर्या हों और जातियां जो बीजेपी के साथ रही हैं 3 चुनाव में, तो क्यों ऐसा बदलाव सा दिख रहा है? जाहिर सी बात है सर, पिछली बार 2017 के चुनाव में बीजेपी ने जिस तरह से वादे किए थे वो वादे पूरे नहीं किए। बीजेपी अभी चुनाव के पहले तक की जो है पर्डे 200 करोड़ का शिलान्यास तो करती थी, लेकिन वो सिर्फ कागजों पर रहता था, धरातल पर कहीं नहीं था। आज भी यहाँ पे सड़कें टूटी हुई हैं, आवारा पशु से लोग परेशान हैं। हम लोग ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग करते हैं तो गाँव के लोग कहते हैं, वो तो ये कहते हैं कि मैं इस सरकार को नहीं ला दूंगा, मैं किसी को ही ला दूंगा, अखिलेश को ला दूंगा लेकिन बीजेपी को वोट नहीं देंगे, इतना वो लोग परेशान हैं। रात रात भर 50-50 रुपये में नौकरी करके अपना खेत बचा रहे हैं लोग। आवारा पशु एक बड़ी समस्या है, और मैंने जब 1 अगस्त से शुरू किया था यूपी के अलग अलग ज़िलों में घूमना, तो मुझे लगता है अगस्त या सितंबर महीने में, 2 महीने में कम से कम 10 या 15 वीडियो ऐसे होंगे जो वीडियो आवारा पशुओं की समस्या पर केंद्रित थे। मीडिया की नींद वैसे बीते कुछ दिनों में खुली है, और मोदी जी की भी नींद खुली। अभी उन्होंने 4 या 6 दिन पहले किसी रैली में कहा कि सरकार बन गई तो 10 मार्च के बाद आवारा पशुओं से जो किसानों को जूझना पड़ रहा है उसके लिए कोई रास्ता, कोई प्लान बनाएंगे। ये सरकार की तब नींद खुली जब 3-4 सालों से किसान परेशान है, वो समस्या यहाँ के लिए भी है। लेकिन ये बताओ, जैसे अजय मिश्र टेनी के बीजेपी में रहने से, जैसे कहते हैं अजय मिश्र टेनी को इसलिए बीजेपी नहीं हटा पाई इतना विरोध होने के बाद, जिसका बेटा 3-4 महीने जेल में रहा, कितने दिन बेटा जेल में रहा कुल मिला के? करीब 128-129 दिन रहे। हाँ तो 4 महीने हो गए। हाँ 4 महीने। 4 महीने जिसका बेटा जेल में रहा, इतनी आलोचना हुई, SIT की रिपोर्ट साफ साफ आई कि भाई वो जानबूझ के सुनियोजित साजिश थी, उसके बाद भी अजय मिश्र टेनी को सरकार ने नहीं हटाया, तो क्या अजय मिश्र टेनी का इलाके में इतना प्रभाव है, या ब्राह्मण वोट है, या क्या फैक्टर है कि प्रभाव है अगर और तब भी बीजेपी आपके हिसाब से 3-4 सीटें अगर कम या हो सकती है तो? प्रभाव की बात नहीं, हमें तो लग रहा है सरकार ही कहीं ना कहीं उनको नहीं हटाना चाहती है। लेकिन उसके बाद भी जो गिरावट आई, अब आप खुद सोच लीजिए, 8 सीटें हैं इस पूरे जिले में, 8 विधानसभाएं हैं, एक मुख्यमंत्री इस जिले में आके एक दिन में 5-5 जनसभाएं कर रहा है। और जो बड़ी बात यह है कि शहर के अंदर
जितने भी प्रोग्राम लगे भारतीय जनता पार्टी के, इससे पहले राजनाथ सिंह आए थे, वो भी किन्हीं कारणों से वापस चले गए। उसके बाद नरेंद्र मोदी जी का प्रोटोकॉल आ गया, उनका प्रोग्राम था 3 दिन बाद, वो तुरंत निरस्त हो गया। फिर योगी जी की जनसभा लगी मुख्यमंत्री की, वो भी कैंसिल हो गई। मतलब ये भी बड़ी चीज़ है, पता नहीं क्या कारण है जिस वजह से कोई भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जनसभा इस जिले के अंदर किसी भी लीडर ने नहीं की, और जिनका भी कार्यक्रम लगा वो निरस्त हुआ। तो क्या वजह, अंदाजा लगाना मुश्किल है, या उन्हें एहसास हो रहा है कि यहाँ कुछ जमीन खिसकी है? हाँ बिल्कुल, जमीन खिसकी है, और ये भी है, और दूसरा एक ये भी वो उनको है कि हमें लग रहा है, जो हम लोगों को पता लगा कि कहीं ना कहीं किसानों का विरोध, ये भी एक बड़ा फैक्ट है जिस हाँ किसानों का विरोध। अब बीच में बोल दूं कि आज, हालांकि अपडेट क्या है मुझे नहीं पता, मैं अभी इस शो के लिए, रिकॉर्डिंग के लिए आ रहा था, दैनिक भास्कर में मैंने खबर देखी कि बाराबंकी में योगी आदित्यनाथ को पहुंचना था और सांडों को किसानों ने छोड़ दिया हेलीपैड की तरफ जहां हेलीकॉप्टर उतरना था, और काफी देर तक वो जो तस्वीरें विजुअल मैंने देखी कि 150-160 भागे जा रहे हैं हेलीपैड की तरफ। किसानों ने कहा कि सांडों से हम परेशान हैं, तो जरा योगी आदित्यनाथ भी देखें कि कितनी बड़ी मुश्किल है, और ये मुश्किल मैंने तो कम से कम 30 जिलों में देखी है। तो ये इतनी बड़ी समस्या है यहाँ? बहुत बड़ी समस्या है। सांड आक्रमण भी करना, केवल सांड गाय तो है ही, बंदर और कुत्तों का भी आतंक। बंदर और कुत्तों का क्या करेंगे भाई योगी जी, अब ऐसा मत करिए। कौन करेगा बाबा, कौन करेगा? आज तक नहीं था, अब क्यों हो गया? योगी नहीं करेंगे तो कौन करेगा, सरकार उनकी है। अरे भाई ये देखिए, गोवंश में तो आप कह सकते हैं सरकार की नीति, गोवंश पर प्रतिबंध, गौशाला इंतजाम में खामी, अब बंदर कुत्ते के लिए कहीं जैसे अभी इधर आवाज आई थी 20 कुत्ते लड़ रहे थे, जहाँ कहीं गड़बड़ होगा उसकी जिम्मेदारी सरकार की है, वो बंदर हो, सांड हो, कुत्ता हो, कोई हो। चलिए मिश्रा जी, अब ये बताइए, इधर आते हैं हम बीच में, एक मिनट आप लोग ताली मत बजाइए, पत्रकार हैं सब। अब ये बताइए शारिक कि जैसे अगर हम अलग अलग सीटों की बात करें, चाहे पलिया है, चाहे निघासन है, चाहे कस्ता है, चाहे गोला गोकरनाथ है, चाहे जो भी 8 सीटें हैं, लखीमपुर खीरी तो है ही विधानसभा, मोहम्मदी विधानसभा भी है, अब सब जगह जैसे बीजेपी को वोट ठीक ठाक मिले, कुछ जगह देख रहा हूँ ठीक ठाक मार्जिन से बीजेपी जीती है, कुछ ऐसी भी सीटें हैं जहाँ 30,000-40,000 के मार्जिन से जीती, जैसे श्रीनगर है, SC की सीट है, रिजर्व सीट है, वहाँ बीजेपी जीती है अगर 2017 में, तो बीजेपी का मार्जिन 1,12,000 मंजू त्यागू को मिला, मीरा बानो सपा को 58,000, मतलब 50,000 से ज़्यादा का मार्जिन है, 54-55,000 का। ऐसी और भी सीटों पर देख रहा हूँ कुछ पे ठीक ठाक बीजेपी की जीत का मार्जिन है, 30,000-20,000 तो मोटे तौर पर है, मिनिमम है 30,000-50,000 मार्जिन है। अब जैसे मैं निघासन में भी देख रहा हूँ, जो निघासन में एक दिलचस्प बात हुई थी, निघासन से जीते थे अजय मिस्टेनी 2012 में, लेकिन मोदी जी की अनुकंपा हुई 2014 में, लोकसभा चुनाव लड़े और उसके बाद सांसद बने, उसके बाद उपचुनाव हुआ, जिस उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के वहाँ उम्मीदवार जीते हैं, कोई वर्मा थे, कृष्ण गोपाल वर्मा, लेकिन उनका निधन हुआ, फिर उपचुनाव हुआ, बीजेपी ने फिर उस सीट पर कब्जा किया, सही है। तो वहाँ अगर मैं देख रहा हूँ 2019 का भी देखूंगा, तो भी वहाँ भी लगभग 50,000 से ज़्यादा, 68,000 कयूम खां सपा, बीजेपी शशांक वर्मा 1,20,000। तो ये जो फासला था, अगर इतना फासला था तो इस बार ऐसे जो 4 सीटें बीजेपी लूज करेगी, या 3 लूज करेगी, या 5 लूज करेगी, या 50-50, इसकी बुनियाद क्या है? तमाम सारी सर चीज़ें इस बार, पिछली बार तो बहुत बढ़िया लहर थी बीजेपी की, इसकी वजह से हम लोगों ने देखा ही था 8 सीटें थी, लेकिन इस बार तमाम ऐसे कारण हैं, एंटी इनकम्बेंसी तो है ही, उसके अलावा अगर आप गांव स्तर पर चले जाइए, आवारा पशु बेहाल है किए हुए हैं किसानों को, केन पेमेंट की बात है, अभी बजाज ने हाल ही में करोड़ों रुपये का बकाया था इसके ऊपर जनवरी में पेमेंट किया चुनाव से ठीक पहले, इसके अलावा रोज़गार पलायन, रोज़गार की वजह से और तमाम सारी दिक्कतें वहाँ पर हैं, जिसकी वजह से बीजेपी इस स्थिति में आ गई है कि काफ़ी ज़्यादा लूज़ कर रही है ज़िले में। अब जरा इधर आते हैं, जैसे गन्ना किसानों की बात करते हैं, तो ये जो गूगल पे दिखता है कि एशिया के सबसे बड़ी चीनी मिल यहाँ है, सही है? बिल्कुल सही है, और कई चीनी मिले हैं, एक दर्जन है शायद लखीमपुर की, 9 चीनी मिले हैं, और यहाँ पलिया एक विधानसभा है जिसके एक विधायक है रोमी साहनी, सही नाम बोल रहा हूँ, रोमी साहनी, और उनका एक रोते हुए एक वीडियो वायरल हुआ था कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले, वो मोदी माफ करें योगी को अपील कर रहे थे, योगी जी किसानों का पेमेंट करा दीजिए, किसान बहुत हताश है, निराश है, परेशान है, सत्ताधारी दल का विधायक अपनी ही सरकार के मुख्यमंत्री से अपील करता हुआ, रुआसा होता हुआ हाथ जोड़कर अपील कर रहा था, क्योंकि गन्ना किसानों को पेमेंट नहीं हुआ, बाद में हो भी गया। तो ये सब नाराजगी बीजेपी को इस बार महंगी पड़ेगी ऐसा लगता है? बहुत
पांच साल रोमी सहनी भी सोते रहे, जब चुनाव आ गया लगा किसान नाराज है कहीं वोट न कम हो जाए, तब रोने लगे। रोने से कुछ नहीं होगा, किसान आंदोलित है, किसान बहुत बड़े प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं और संभवतः काउंटिंग के बाद उनका प्रदर्शन शुरू भी हो जाएगा, तो रोमी सहनी को लाभ नहीं मिलने वाला है। बड़े कड़े संघर्ष से उनको जूझना पड़ रहा है समाजवादी पार्टी के प्रीतिंदर सिंह से, और वो भी बहुत ज्यादा आसानी में नहीं है। तो आप ये बताओ जरा सीट वाइज कि कौन सी सीट ऐसी लगती है, जैसे हम देखते हैं पलिया, निघासन, गोला, कस्ता, धौरारा, लखीमपुर खीरी, मोहम्मदी, श्रीनगर, ठीक है, इसमें से कौन सी ऐसी सीट लगती है जहां आपको लगता है श्योर शॉट ये बीजेपी की है, कौन सी सीट है जहां कड़ा संघर्ष? देखिए वस्तुतः कहा जाए श्योर शॉट बीजेपी की है ये नहीं कहा जा सकता। अच्छा, लेकिन कड़ा संघर्ष एक तो पलिया में है, और दूसरा कड़ा संघर्ष मोहम्मदी में है, और तीसरा कड़ा संघर्ष कस्ता में है, जहाँ पर कड़ा संघर्ष हम कह सकते हैं, क्योंकि मोहम्मदी में दोनों जो कैंडिडेट हैं विपक्ष के मुस्लिम हैं, लेकिन लोकेंद्र प्रताप सिंह जो बीजेपी प्रत्याशी हैं उन पर जातिवाद का चार्ज है, और उनसे एक बहुत बड़ा हिंदू तबका नाराज है जो विपक्ष को वोट देता नजर आ रहा है, खतरे में वो भी हैं। लेकिन हाँ, क्योंकि दोनों मुस्लिम प्रत्याशी हैं, इलेक्शन आजकल बहुत ज्यादा जाति आधारित होता है, तो संघर्ष में कहे जा सकते हैं। लखीमपुर खीरी में आप देखिए, यहाँ पर मोहन वाजपेयी ब्राह्मणों के वोट काट रहे हैं, एक वोट बीजेपी की है, 2017 में जो बीजेपी को मिले थे वो कट रहा है, ओबीसी बंट रहा है, तो दोनों तरफ से नुकसान हो रहा है, यही निघासन में। लेकिन हाँ, अब आप बाकी सीट का जिक्र कर रहे हैं, निघासन की बात आप नहीं कर रहे हैं, जिस पर मेरी दिलचस्पी और सबकी दिलचस्पी है, क्योंकि अजय मिश्र टेनी की वजह से निघासन का नाम सब देखिए। यूपी में 403 सीटें, लेकिन किसी से भी अचानक पूछिए तो 25-30 सीट जोड़ते जोड़ते उसके बाद नाम भूलने लगेगा। निघासन हर आदमी जान गया है। तिकुनिया कांड का सबसे ज्यादा असर यूं तो हर जगह है, लेकिन सर्वाधिक असर पलिया और निघासन में है, क्योंकि वहीं पर यह केस हुआ है। तिकुनिया निघासन विधानसभा क्षेत्र में आती है, इसलिए वहां पर बहुत जबरदस्त विरोध है, और जिसका सीधा फायदा समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को मिलता दिख रहा है। चलिए, इनके हिसाब से तो सीधा फायदा समाजवादी पार्टी को दिख रहा है। अब आपसे फिर हम समझेंगे कि शहर के मतदाता और ग्रामीण मतदाता, कई जगह होता है दोनों के मिजाज में, दोनों के वोटिंग पैटर्न में, सोचने के तरीके में फ़र्क होता है, यहाँ वो फ़र्क है? जी बिल्कुल फ़र्क है अंजुम जी। एक्चुअली सबसे बड़ा जो मुद्दा यहाँ पे है, जो आप चर्चा कर रहे हैं कि क्यों ये इनका ऐतिहासिक सिंहासन डैमेज हो रहा और ढह रहा है, उसका मुख्य बिंदु जो है, एक तो किसानों का पेमेंट नहीं हुआ गन्ने का, इससे बहुत आक्रोशित हैं। बाद में कुछ पेमेंट इन्होंने किया है, लेकिन फिर भी सालों का पेमेंट बाकी है। आवारा पशु, ये बहुत बड़ा मुद्दा इनके ऊपर बना हुआ है। और प्लस जो आपने बात की, नजर सबसे ज्यादा है किसान आंदोलन की निघासन और पलिया पर, जैसा वरिष्ठ जी बता रहे थे, इनका भी असर बहुत बड़ा है। रही शहरी क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में भी मतदाता बड़ा उदास दिख रहा है, उसमें कोई अभी उत्साह नहीं दिख रहा है कि हम क्या करें, लेकिन इनका पूरा बेस टिका हुआ है, जो 15-20% 25% वोट है, जो अभी कहीं भी नहीं है, जो साइलेंट वोटर है, शायद वो राशन कारण अपने को मजबूत समझ रहे हैं, अगर हमारी दलित वोट थोड़ा सा कन्वर्ट हो गया इधर तब बीजेपी मजबूती पे आएगी, और अगर दलित वोट या जो बसपा का वोट है कन्वर्ट नहीं हुआ तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ा नुकसान बीजेपी को यहाँ पे होने वाला है। अब ये क्यों मान लें कि बसपा का वोट कन्वर्ट होकर बीजेपी को जाएगा, क्योंकि जो बीएसपी के नेता हैं उन्हें लगता है हमारा वोट इंटैक्ट है, और अगर देखेंगे तो बुरी हालत में भी बीएसपी को, मायावती को लगभग 21-22% वोट मिले थे 2017 में, और चाहे हारे या जीते, मैं कई जगह जाटवों के गाँव में गया, जो मायावती का कोर वोटर है, वो कई बार ज़्यादा बड़ी तादाद में यही लोग कहते हैं कि बहन जी जीते या हारे हम बहन जी के साथ। लेकिन हाँ, बहुत जगह ऐसा भी है, हताशा है, लगता है कि अगर इस बार सरकार नहीं तो कब, और ऐसा बहुत सारे लोग बीजेपी के लोग तो नहीं कहते हैं। अमित शाह का एक चर्चित अभी इंटरव्यू है जिसमें उन्होंने कहा मायावती जी बहुत मजबूती से लड़ रही हैं और मायावती को मुस्लिम वोट में मिल रहा है, अमित शाह के इस कहने का कोई मतलब है? लेकिन अब जरा बीएसपी के साथ बाकी चीज, जैसे मैं देख रहा हूँ गोला गोकर्णनाथ है, यहाँ से जो उम्मीदवार अरविंद गिरी हैं बीजेपी के, हैं बड़ा दिलचस्प होता है, पहले वो कहाँ रहा अगर उसकी कुंडली देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा किस पार्टी में कब रहा, कहाँ से जीता। जैसे अरविंद गिरी हैं, सही बोल रहा गलत अगर है तो बताइएगा, 3 बार पहले 96, 2002, 2007 में सपा के विधायक रहे, और अभी बीजेपी के सिटिंग भी हैं, और बीजेपी के बीच में कांग्रेस भी गए, सिटिंग भी हैं, बीजेपी के उम्मीदवार भी हैं। अब यहाँ मैं देख रहा हूँ गोला गोकर्णनाथ में
बसपा में भी गए? बसपा में भी गए, कांग्रेस बसपा सारी पार्टियां घूम के फिर भाजपा में आए। अच्छा, तो खाली उनका दो तीन पार्टी छोटी मोटी और बची है बस। हाँ, तो अब जैसे देख रहा हूँ बीजेपी से अरविंद गिरी हैं, सपा के विनय तिवारी हैं, बसपा से शिखा वर्मा है, प्रहलाद पटेल। अब यहाँ का जातीय समीकरण मैं थोड़ा इसलिए बात कर रहा हूँ कि जैसे इन्होंने कहा दलित वोट अगर बीजेपी में नहीं गया तो क्या दलित वोट यहाँ लगता है कि बीजेपी में कोई जाने की गुंजाइश दिखती है? और थोड़ा उसको पोस्टमार्टम अगर करें कि उसमें कौन सी बिरादरी है जो शिफ्ट हो सकती है या जिसमें क्रैक है, किसी के पक्ष में या किसी के विपक्ष? पिछले चुनाव की बात करें तो जो भी दलित मतदाता था वो भाजपा में एक तरफा गिरा, इसी लिए हर जगह सीटों में 50,000 लाख की मतलब लाख वोट तक भी जीत गए। लेकिन इस बार जो है लगता तो नहीं है कि सभी जाएगा, लेकिन दलित मतदाता इस बार भी जाएगा, क्योंकि जो राशन वाला फैक्टर भाई साहब ने बताया वो एकदम सही है। कहीं ना कहीं जो निचले वर्ग का आदमी है वो राशन फैक्टर पर बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है, वो भले खुल के ना कहे लेकिन अंदरूनी जो उनकी घर की महिलाएं हैं या वो है उनसे पूछो तो वो लोग योगी मोदी का ही नाम लेते भले वो प्रत्याशी को ना जानते हों। तो आप ये बताओ कि आपके हिसाब से मान लो फैक्टर काम कर रहा है, हालांकि बीच में ये भी बता दूं कि अभी एक वीडियो मैंने किया था मैनपुरी ज़िले के करहल इलाके में, एक बुजुर्ग दंपत्ति का जो अपने घोड़ा गाड़ी से जा रहे थे उनका एक वीडियो किया जिनकी मुश्किल परेशानी, लेकिन साथ में उन्होंने ये कह दिया कि हमने मोदी का नमक खाया, हम धोखा नहीं देंगे। हालांकि उनकी और बाकी मुश्किल थी जिसका जिक्र मोदी जी ने नहीं किया, लेकिन मोदी जी ने मेरे उस वीडियो का जिक्र हरदोई की एक सभा में किया और उस महिला का जिक्र करते हुए कहा कि उस बुजुर्ग महिला से जब पत्रकार ने पूछा तो उन्होंने कहा, उस बुजुर्ग महिला ने कहा मैंने मोदी का नमक खाया है, मोदी को धोखा नहीं दूंगी। प्रधानमंत्री खुद उसी भाषा में मंच से जब कह रहे थे तो एक एहसान भाव भी था कि प्रधानमंत्री का नमक खाया मोदी अगर खुद बोलते, वो नमक सरकार के खजाने का, हालांकि नमक नहीं खाया, चावल और गेहूं जो भी दिया, लेकिन प्रधानमंत्री वहां से ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जो खा रहे हो वो हम भेज रहे हैं और इसमें मोदी फैक्टर है। अब यही जो आपने कहा, क्या ये फैक्टर ऐसा यहाँ है कि बीजेपी के पक्ष में 5-6 सीट जिता दे? हमें नहीं लगता जो बसपा का फिक्स वोटर है वो भटकेगा। बसपा का फिक्स वोटर जब कांग्रेस की सरकार बनने से पहले, कांग्रेस ने जब कर्जा माफी की थी, जब एक बिल्कुल आंदोलन चल गया था कांग्रेस ही कांग्रेस कर्जा माफी के समय, तब नहीं भटका। तो हमें नहीं लगता अब भी कांग्रेस का वोट प्रतिशत वही, बसपा का वोट प्रतिशत वही रहेगा जो पहले रहा है। उनका एक फिक्स कैडर है 30-35 हज़ार जो फिक्स वोट है, वो वोट बैंक आज भी कायम है बसपा का। अब जरा इधर आते हैं आखिर में आपसे, सीटों के बारे में जरा बताइए, जैसे 8 सीट है, आप कुछ आकलन बता सकते हो कि 8 में जैसे ये 3 सीट है जहाँ बीजेपी बहुत मजबूत है, या 7 सीट है जहाँ बीजेपी बहुत मजबूत है, या ये 4 सीट है जहाँ बीजेपी बहुत कमज़ोर है या सपा मजबूत है? देखिए जैसे कि एक आपकी सीट पलिया हो गई, दूसरी आपकी ये दौरारा हो गई, और हमें लग रहा है कि सब जगह तो कांटे की टक्कर है सपा और भाजपा की। थोड़ा बोलने से बच रहे हो क्या? आवाज़ वॉल्यूम डाउन किया अचानक, अचानक वॉल्यूम ही डाउन कर लिया। अब ये बताइए शारिक, फैक्टर क्या है चुनाव का? जैसे अलग अलग इलाकों में कहीं बेरोजगारी है, कहीं महंगाई है, कहीं युवाओं की नाराज़गी है, कहीं किसानों का फैक्टर है, पश्चिम में गन्ना किसानों का बहुत बड़ा फैक्टर था, यहाँ के लिए लखीमपुर खीरी के लिए क्या फैक्टर है? अलग से कुछ है या यही सब जो जनरल बातें हो रही है, हराओ मोदी को, हराओ योगी को, हराओ या योगी को जिताओ? नहीं, फैक्टर तो सर है ही यहाँ पे, लॉ एंड ऑर्डर सबसे बड़ा फैक्टर है यहाँ पे। पहले चिरहरण हुआ, उसके बाद ये अपना जो तिकुनिया वाला कांड हुआ, अभी जो 8 विधायक है उन्होंने कोई भी ऐसा काम नहीं है जो नज़ीर बन सके। ऑक्सीजन प्लांट की बात करते हो तो पूरे भारतवर्ष में लगे, कोई भी ऐसा काम नहीं है, चाहे बुनियादी जो सेवाएँ हमारी है, चाहे मेडिकल की बात हो या एजुकेशन की बात हो या बेहतर सड़कों की ही बात हो, अभी भी आपको गड्ढे युक्त सड़क मिल जाएंगी, तमाम सड़कों पर गड्ढे हैं। तो तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से बेरोजगारी अपने आप में तो एक फैक्टर है ही है, यहाँ का एक बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से लोग बड़ी संख्या में पलायन भी करते हैं। तो तमाम सारे ऐसे फैक्टर हैं जो नुकसान कर रहे हैं और नुकसान कर ही रहे हैं वो। चलिए अब मिश्रा जी आप ही से जरा एक और थोड़ा ज्ञान लेते हैं कि प्रदेश के जो बाकी फैक्टर हैं वो अपनी जगह है, यहाँ के कुछ अलग भी मुद्दे हैं जो यहाँ के बहुत 50 लाख आबादी का जनपद लखीमपुर खीरी है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जनपद है। हार्ट का कोई डॉक्टर नहीं, हार्ट अटैक का कोई इलाज नहीं, गुर्दे का कोई डॉक्टर नहीं, लीवर का कोई डॉक्टर नहीं। अभी 4 दिन पहले यहाँ पानी बरसा तो एक जिला अस्पताल के वरिष्ठ डॉक्टर का फ़ोन मेरे पास आया, बात हो रही थी, कहता मिश्रा जी चलना मुश्किल है इस समय जिला अस्पताल में, पानी भरा है, कीचड़ भरा है, 50 लाख के जिला मुख्यालय के जिला अस्पताल में कीचड़ भरा है, हार्ट अटैक हो
तो यहाँ कुछ नहीं, किडनी हो तो यहाँ कुछ नहीं, लीवर हो तो यहाँ कुछ नहीं, बाप को बीटेक पढ़वाना हो तो यहाँ कुछ नहीं, एमटेक करवाना कुछ नहीं, एक एक जो कंप्यूटर के मामूली कोर्स हैं उनका यहाँ सरकारी स्कूल नहीं है। यहाँ पर सन 47 में एक जीआईसी था, आज 75 साल बाद नगर में वही एक जीआईसी है। सन 47 में एक जीजीआईसी था, आज 75 साल बाद वही एक जीजीआईसी है, तो कहाँ विकास है ही नहीं। अच्छा एक मिनट, बीच में अब रोक रहा हूँ। तो 2017 के पहले जब अखिलेश यादव थे या 2012 के पहले मायावती थी, तो ये सब था, ये किडनी हार्ट तब भी नहीं था। आप देखिए लखीमपुर खीरी का अगर आप अध्ययन करिए विधानसभा चुनावों का, तो 52 के बाद ही यहाँ परिवर्तन होने लगा। 57 में यहाँ प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की 4 सीटें जीत गई, कांग्रेस हार गई। यहाँ बार बार बदला जाता है, कभी 8 सीटें जीत जाती हैं, कभी 8 हार जाती हैं, कई बार यहाँ कांग्रेस के साथ तो सीटें जीती हैं। प्रदेश बदल जाता है, जो 50,000 से जीतता है 1,00,000 से हार जाता है। ये लखीमपुर खीरी है और उसी इतिहास को फिर दोहराएगा। ये इनके हिसाब से इतिहास दोहराने जा रहा है, लखीमपुर खीरी इतिहास को क्या दोहराएगा? इतिहास को दोहराएगा, जो लीड आप अभी बता रहे थे 50,000-60,000, ये लीड हो सकता है कहीं हार में ना बदल जाए। अब देखिए जो आज आप बोल रहे हैं, पत्रकार लोग हैं, कल यहाँ वोटिंग होनी है, 23 तारीख है कल, 23 तारीख को वोटिंग होनी है, 10 मार्च को नतीजे आएंगे। जो सब बोल रहे हैं अंदाज़ा इनको है, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। कई बार ये भी होता है कि जो वोटिंग का आकलन करना बहुत मुश्किल होता है, कई बार साइलेंट वोटर होते हैं, लेकिन फिर भी चूंकि स्थानीय पत्रकार हैं, इनका एक स्थानीय मुद्दों के हिसाब से जो लोकल समीकरण है, चाहे जातीय समीकरण हो, चाहे विधायक को लेकर नाराज़गी हो, या कोई आकर्षण हो, या कोई एंटी इनकम्बेंसी हो, सबका इन्होंने जिक्र किया। अब ये बताओ अजय मिश्टेनी में कुवत है कि कुछ सीटें जिता सकता है, इसलिए बीजेपी की डिपेंडेंसी है, क्या वजह है? जी कहीं ना कहीं आपका कहना सही है, इसीलिए बीजेपी ने उसको हटाया, नहीं कार्य राजनीति था इसलिए हटाया। आप सही कह रहे हैं, शायद वो एक दो सीटें ला सकते हैं उनके अगर उसमें होगा तो, इसीलिए इसी तो नहीं हटाया गया, वरना इतनी बड़ी घटना हो गई है, पूरा देश उबल गया, किसान धरने पर रहे, हटाना चाहिए था, कहीं ना कहीं तो पीछे कुछ ना कुछ तो होगा। तो वहाँ जहाँ उनका घर है निघासन से कितना दूर है? निघासन से दुगुनिया भी करीब है, 10 मिनट। तो जैसे निघासन से कितना कितना किलोमीटर? लगभग 30-35 किलोमीटर तिकुनिया, जहां वो कांड हुआ था। लेकिन अजय मिश्टेनी का एक वीडियो वायरल हुआ था कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले, उसके बाद मैं यहां आया भी था, जिसमें एक पत्रकार के साथ बदसलूकी भी कर रहे थे, डांट भी रहे थे। तो कल जैसे कवरेज के लिए आप उधर जा रहे हो अजय मिश्टेनी की तरफ, या मतलब कल भी कुछ ऐसा? नहीं सर, बिल्कुल जाएंगे। सर हम लोग का तो बड़ा दबंग आदमी है क्या? नहीं नहीं सर, दबंग नहीं, हम लोग का काम है सर, जब तक हम लोग दबंग तो है, कुछ गुंडा टाइप का रहा है, पहले हिस्ट्री शीटर रहा है, ऐसा कुछ नहीं सर, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, हिस्ट्री शीटर रहा है भाई वो। हाँ सर हिस्ट्री शीटर, ठीक है सर, हम लोग की तो आदत होगी गाली सुनने की सर, बट हिस्ट्री शीटर तो रहा ना। जी जी जी, पुराने कैसे करो, दबंग नहीं है? है सर, दबंग है, हिस्ट्री शीटर। हत्या का मामला, एक प्रमोद गुप्ता थे नाम जिनकी, जिनका हत्या का तिकुनिया, राजीव गुप्ता के भाई प्रमोद गुप्ता, प्रभात गुप्ता, जिनकी हत्या हुई थी, और राजीव गुप्ता उनके भाई हैं जो मुकदमा लड़ रहे हैं हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, लेकिन उसमें अजय मिश्टेनी बरी हो गए। और बरी भी कैसे, जो आईओ था, उस आईओ ने अपनी रिपोर्ट में कोर्ट में कहा था ये रसूखदार आदमी है, गलत सलत बयान गवाहों से अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके दे रहा है, उसके बाद वो बरी हो गए। अब उनके भाई आज भी उस मुकदमे में सजा दिलाने के लिए हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटा रहे हैं। ये बताइए, बड़ा गुंडा है क्या टेनिया का? नहीं नहीं, कोई गुंडा नहीं, लखीमपुर खीरी जनपद में कोई गुंडा उंडा नहीं है। लेकिन अब किसी को कोई गुंडा मान ले तो मान ले। तो हिस्ट्री शीटर था तो कोई ऐसे थोड़ी था कि वो हिस्ट्री शीटर कुछ ऐसे क्रियाकलाप करते थे, उसमें थे, गुंडाई में नहीं थे। क्या क्रियाकलाप करते थे? लोग बोलते हैं कुछ नेपाल भारत के बीच कुछ रिश्ता था उनका, उनका स्मगलिंग का कुछ चार्ज था। देखिए आप खुद बोल रहे हैं, हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, है? दोनों देशों की सरहद पे उनका कुछ था तो काम। गुंडा और अवैध व्यापार दोनों में फर्क है ना। गुंडा मतलब क्रिमिनल एक्टिविटीज, गोली चल जाए, बम चल जाए, ऐसा कुछ नहीं है लखीमपुर खीरी में। कोई पॉलिटिकल लीडर गुंडा नहीं, सामान इस पार से उस पार इधर उधर कुछ करते थे। कुछ करते थे किस चीज का, अब ये पता नहीं किस चीज का करते थे। चलिए ये उनके बारे में कहा जाता है। यहाँ से कितना दूर है नेपाल की सरहद जो नियरेस्ट? यहाँ से करीब 90 किलोमीटर होगी। 90 किलोमीटर, 90 किलोमीटर है। और उनके बारे में कहा जाता है कि बहुत माल कमाया उन्होंने 30-35 साल में 25 साल हो में। सकता है, है? जब आदमी काम करेगा माल कमाएगा ही। कौन सा काम करेगा? जो भी काम करेगा। चलिए बहरहाल इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। कल वोटिंग है, अलग अलग इलाके में मतदान केंद्र पर जो मतदाताओं का रुझान होगा, जो मैं देखूंगा वो मैं दिखाऊंगा, और उसके बाद 10 मार्च को नतीजे हैं। कल 23 तारीख को यूपी की 60 सीटों के लिए वोटिंग है। अगर उन 7 सीटों की बात करें 60, तो 52 सीटें 2017 में बीजेपी को मिली थी, 4 सीटें मेरे ख्याल से समाजवादी पार्टी, 2 बसपा, 2 कांग्रेस।
अब देखना है इस बार ये चौथे दौर का चुनाव बहुत अहम इसलिए है क्योंकि 172 सीटों पर पहले वोटिंग हो गई, इस 60 सीट के साथ 232 सीटों पर वोटिंग हो जाएगी। जिसने इस 232 सीटों पर बढ़त बनाई वही यूपी की सत्ता पर काबिज होगा क्योंकि इसी चुनाव के साथ तय हो जाएगा कि यूपी में सरकार किसकी। लखीमपुर खीरी के जो स्थानीय पत्रकारों ने कहा वो आपने सुना, और जैसे जैसे चुनाव का दौर पूरब की तरफ बढ़ेगा मैं अलग अलग इलाकों में मिलूंगा। 25, 26, 27 मेरी आपसे मुलाकात होगी प्रयागराज में, इलाहाबाद में, और कल तो लखीमपुर खीरी में हूँ ही। हम लोगों को तो कोई खतरा नहीं है ना मिश्रा जी, बाहर वालों को? नहीं, बिल्कुल नहीं, बड़े सुरक्षित। इसलिए पूछ लिया, वीडियो में ही बोल दे रहा हूँ कि मान लो कुछ हो तो हो कि भाई हमें खतरा तो नहीं है। नहीं नहीं ऐसा कुछ है? नहीं कुछ नहीं, कोई खतरा नहीं है ना। बाहर वाला कड़वा सम्मान होता है साहब। सम्मान होता है? अब वो किस तरह से सम्मान? निडर होके जाइए सर, हम लोग साथ में चलेंगे आपके। नहीं नहीं, निडर होके तो मैं जाऊँगा। मैं तो मानता हूँ लखीमपुर खीरी के लोगों ने चुना जरूर, लेकिन जिसका बेटा इस तरह की हरकत करता हो कि SIT की वो रिपोर्ट हो और उसके बाद उसकी गुंडागर्दी और उसके कारनामों का इतिहास हो, और साथ में अगर गृह राज्य मंत्री के पद पर बैठा हुआ शख्स मन से कहता हो, 25 सितंबर का वो बयान अगर मुझे तारीख याद है, 3 अक्टूबर की घटना है, कि हमारे सामने आओ, 2 मिनट में सुधार देंगे या सुधर जाओ। गृह राज्य मंत्री जब सड़क छाप भाषा का इस्तेमाल करता हो, उसका ट्रैक रिकॉर्ड ये हो कि हिस्ट्री शीटर रहा हो, तो मैं कहता हूँ कि दरअसल गुंडागर्दी से निकलकर राजनीति की सीढ़ियां चढ़ता हुआ कामयाब बनता हुआ और आज गृह राज्य मंत्री है। और मोदी की मेहरबानी है कि ऐसा मंत्री आज भी टिका हुआ है जिसका बेटा 4 महीने तक सलाखों के पीछे रहा। अब देखना है जनता, लखीमपुर खीरी की जनता BJP के लिए दिल खोलती है या कुछ दरवाजे बंद करती है। फिलहाल इस वीडियो को मैं ख़त्म करता हूँ। शुभ रात्रि, नमस्कार, और आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। सब लोग वोट जरूर दीजिएगा। आप सबका वोट यही है? बिल्कुल बिल्कुल यहीं पर है। आप अभी उंगली दिखा रहे, रात में थोड़ी दे दिया होगा वोट? नहीं सर, रात में नहीं, वोट सब लोग जरूर दें। हाँ। और अकेले ना दें, चार चार पांच पांच को ले जाके वोट दें। मेरी यही इच्छा है कि यहाँ पे 100% पोलिंग होनी चाहिए। चलिए, हाँ जी, आप आए तो निश्चित तौर पे पोलिंग बढ़नी ही चाहिए। आप लखीम, यहाँ के DM ने अब की पार 90 पार की मुहिम छेड़ रखी है इसीलिए। अच्छा, ऐसे तो नहीं कर रहे योगी जी की तरह अब की बार 300 पार? अब की बार नहीं, आप की बार 90 पार चल रहा है। चलिए, बहरहाल 90% बहुत बड़ी बात है। अगर हो जाए अब की बार 90 पार लखीमपुर का नारा कहूंगा कि अंजुम जी आप आए हैं तो 1-2% का वोटिंग में इजाफा जरूर होगा। आपने कहा है यहाँ पर कि मैं कल लखीमपुर रहूंगा, ये एक रिपोर्टर के नाते मुझे निश्चित पता है कि 100% बहुत से लोग आपके फैन हैं, आप देखने आएंगे और वोटिंग परसेंट 2-5% अवश्य ही बढ़ेगा। अब मेरा कोई योगदान उसमें क्या? लखीमपुर की धरती पर अपील कर दें कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने मतदान का प्रयोग करें। मैं तो कहूंगा और हर बार कहता हूं, और एक एक वोट मायने रखता है, और कई बार हार जीत 1-2-4-10 वोट से भी होता है। ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं। मैं जिस जिले का रहने वाला हूं, बेगूसराय, वहां भी पिछले चुनाव में हुआ, और ऐसे विधानसभा चुनाव में सबको पता नहीं याद है कि नहीं, CP जोशी जो राजस्थान के हैं, अभी शायद विधानसभा अध्यक्ष होंगे, शायद केंद्र में मंत्री रहे, एक वोट से हारे थे, एक वोट से, तब जब वो मुख्यमंत्री के दावेदार थे। तो ऐसी हार जीत होती है, इसलिए आप सब लोग मतदाता के तौर पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल ज़रूर करें, और ये बहुत ज़रूरी है। इसी से तय होगा कि यूपी में किसकी सरकार, आपके इलाके का विधायक कौन। फिलहाल एक बार फिर से शुभ रात्रि, नमस्कार।